इस वीडियो में हम देखेंगे मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी चॉकलेट सैंडविच बर्फी, और ये बनती भी है झटपट और बहुत ही आसानी से। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा और अब सबका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग टाइम विद श्रद्धा पर। चलिए तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं चॉकलेट बर्फी बनाना। ऐसे ही टेस्टी एंड नई नई रेसिपीज देखने के लिए कुकिंग टाइम विद श्रद्धा को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी सूखे नारियल का पाउडर जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और उसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली स्पून को चलाते हुए भूनें। ध्यान रखें हमें इसे धीमी आंच पर भूनना है, नहीं तो नारियल का पाउडर जल सकता है। 2 मिनट होने के बाद इसमें डालें 1/2 कप कंडेंस मिल्क। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और फिर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक, या फिर मिक्सचर जब तक पैन की साइड्स नहीं छोड़ता तब तक इन्हें अच्छे से भूनें। इससे कंडेंस मिल्क में नारियल पाउडर अच्छे से घुल जाता है और उसमें एक थिकनेस आती है, जिससे उसे बर्फी में सेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अब अच्छे से बन चुका है। इसे अब एक बोल में निकाल लें। अब चॉकलेट का मिक्सचर बनाने के लिए हम पैन में लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, और इसे भी हम धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। गैस की आंच धीमी रखें और स्पून से कंटिन्यूसली इसे हिलाते हुए भूनते रहें, नहीं तो पाउडर जल सकता है। मिल्क पाउडर को जब हम इस तरह से भूनते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। 5 मिनट बाद इसमें ऐड करें 1/4 कप चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और फिर डालें 1/4 कप दूध। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करें और कंटिन्यूसली कुक करें जब तक ये मिक्सचर पैन की साइड्स नहीं छोड़ता। मैंने यहाँ पे जो कोको पाउडर यूज़ किया है वो शुगरलेस पाउडर है। कंटिन्यूसली स्पून को चलाते हुए हमें धीमी आंच पर इसे पकाना है। 5-6 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून घी और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके पकाते रहें। पूरे प्रोसेस में हमें गैस की आंच धीमी ही रखनी है। यहाँ पे ध्यान रखें कि मिक्सचर को हमें बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है और कंटिन्यूसली स्पून से चलाते हुए इसे पकाना है। इस मिक्सचर को कुक होने के लिए टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर पैन की साइड्स छोड़ने लगता है। जब ये अच्छे से पक जाए तब गैस बंद करके इसे एक बोल में निकाल लें। चॉकलेट बर्फी सेट करने के लिए आप ग्लास या फिर कोई भी स्टील की प्लेट आप ले सकते हैं, और वो थोड़ी डीप होनी चाहिए, लगभग 1 से 1.5 इंच की, जिसमें हम चॉकलेट बर्फी आसानी से सेट कर सके। मैंने यहाँ पे ग्लास का स्क्वायर शेप का बोल लिया है। इसे अब हम ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया है उसमें से 1/2 मिक्सचर हम इस बोल में इस तरह से सेट करेंगे। चॉकलेट का मिक्सचर जब हल्का सा गर्म होता है हमें तभी इसे सेट करना है। अब इसके ऊपर हम लेयर बनाएंगे नारियल के मिक्सचर की। नारियल का मिक्सचर हमें पूरा यहाँ इस्तेमाल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नारियल और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो यहाँ आसानी से सेट हो रहा है। अगर नारियल और कंडेंस मिल्क सिर्फ मिक्स करके हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। नारियल के मिक्सचर को अच्छे से फैला के इसको बहुत स्मूथ टेक्सचर देना है। अब जो चॉकलेट का 1/2 मिक्सचर बाकी है उसकी लेयर हम ऊपर बनाएंगे। इसे अच्छे से फैला के इसकी स्मूथ लेयर बनानी है। ये लेयर बर्फी की सबसे ऊपर की लेयर है, तो इसे अच्छे से स्प्रेड करके स्मूथ कर ले, जिससे ये बिल्कुल वैसे लगती है जैसे हम मार्केट से लाते हैं। जब ये अच्छे से सेट करके हो जाए तब इसे ठंडा होने के लिए हम 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1/2 घंटे बाद हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। चॉकलेट की ये सैंडविच बर्फी इतनी आसानी से और झटपट बनती है कि आप किसी भी फेस्टिवल में ये इंस्टेंट बना सकते हैं। कट करने के बाद हल्के हाथों से आराम से इन्हें निकालें, जिससे हमने जो लेयर्स बनाई हैं वो बनी रहे। आप इसे पिस्ता या किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर या फिर किसी भी आने वाले फेस्टिवल पर आप ये चॉकलेट सैंडविच बर्फी बनाएं और बहुत सारी तारीफें पाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक खाते रहिए, खुश रहिए।